नमस्कार दोस्तों। तो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दोस्तों निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब हमें जल्दी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल अनाउंसमेंट और इस फिल्म का एक जबरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आ रही खबरों के मुताबिक अगले महीने यानी कि जुलाई में बकरा ईद के दिन फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का ऑफिशियल टाइटल का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमें फिल्म का एक धमाकेदार पोस्टर भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि हमें पूजा हेगड़े और सलमान खान एक साथ देखने को मिलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों की खबरें ये भी हैं कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का नाम भाईजान ऑफिशियल तौर पर ईद के मौके पर अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल इस फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली ही रखा गया है। ये फिल्म दोस्तों तमिल की फिल्म वीरम का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है, जिसमें कि हमें सलमान खान के साथ साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी और ये पहली बार होगा जब सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में हमें सलमान खान के छोटे भाई के तौर पे आयुष शर्मा, जहीर इकबाल और आसिम रियाज नजर आएंगे। वहीं सलमान खान चार भाइयों में सबसे बड़े भाई का किरदार इस फिल्म में निभाने वाले हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं फरहाद सामजी। वहीं फिल्म की स्टोरी लिखी है साजिद नाडियाडवाला ने। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस भी साजिद नाडियाडवाला ने ही किया है, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बैनर तले। वहीं इस फिल्म में हमें प्रीतम का जबरदस्त म्यूजिक भी को मिलेगा। इस फिल्म की शूटिंग को दोस्तों नवंबर के महीने से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जबकि इस फिल्म को अगले साल यानी कि 2022 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। वहीं इस फिल्म से पहले हमें सलमान खान अंतिम, पठान और टाइगर 3 में नजर आएंगे। ऐसे में दोस्तों सभी को इंतजार था फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के ऑफिशियल पोस्टर का, जो कि अब हमें अगले महीने बकरा ईद के मौके पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप भी फिल्म भाईजान के ऑफिशियल फर्स्ट लुक पोस्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं इसी तरह की तमाम लेटेस्ट छोटी बड़ी सारी अपडेट्स।